आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के वार्ड नंबर 2 स्थित विंद विहार कॉलोनी में रास्ते में जगह जगह पानी भरा है, जिससे मोहल्ले वासियों को निकलने में काफी समस्याएं होती हैं। हमारी टीम ने जब मोहल्ले वासियों से जानकारी ली तो मोहल्ले वासियों ने बताया कि कई बार नगर निगम अधिकारियों को सूचना दी गई है, लेकिन अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। निकल रहा हूं, गंदगी है, कोई सड़क व्यवस्था नहीं, कई बार हम लोग फोन हेल्पलाइन देखी है, प्राइवेट दमक। अच्छा धीरे धीरे यहाँ रास्तों में पानी भर जाने से लोगों को निकलने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक मोहल्ले वासियों ने इसकी शिकायत वार्ड नंबर 2 के पार्षद से भी की है, लेकिन पार्षद द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि बरसात का समय शुरू होने वाला है, लेकिन वार्ड में इस तरह की समस्या काफी गंभीर है। हम आपको बता दें कि शहर के ज्यादातर मोहल्ले का यही हाल है। आम लोगों द्वारा इसकी शिकायत भी निगम प्रशासन से की जाती है, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती। हम बताइए, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। क्या समस्या आ रही है वार्ड में आपके? यहाँ घर के अंदर थोड़ा सा बारिश होती है तो घर के अंदर पानी भर जाता है, और नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं देता है। कर्मचारी आते भी हैं तो अपना आए गए और चले गए, और बाकी समस्याएं जो होती हैं तो हम पब्लिक को झेलना पड़ता है। कार नहीं निकलती है, गाड़ी नहीं निकलती है, मोटरसाइकिल सोचे कि निकाल ले तो मोटरसाइकिल नहीं निकलती है। बाकी जहाँ भी नजर डालेंगे आप, गंदगी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बरसात का समय आ रहा है, बरसात का समय अब भी आ गया है, और वैसे भी पानी नाली नर्दों का पानी आदमी के अंदर भरता है, नालियां चौक हो जाती हैं। अब तो बरसातें आ गई तो अब तो अंदर भी बेडरूम तक पानी पहुंच जाता है। इसकी शिकायत आपने नगर निगम अधिकारी से की? अरे कई बार शिकायत उकायत की गई, लेकिन किसी प्रकार का प्रशासन ध्यान नहीं देता, तो आदमी क्या करे, थक गया। कौन सा वार्ड है ये? विंद विहार कॉलोनी वार्ड नंबर 2 है। पार्षद कौन है? क्षितिज मणि त्रिपाठी है। उनके तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा? कई बार उनसे कहा गया, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। इसी से लगा शिवकंठ नगर वार्ड नंबर 2, वहाँ भी नाली की भीषण समस्या है। रोड तो है ही नहीं है, नाली की भयंकर समस्या है। जब बरसात आता है तब नगर निगम की जेसीबियां आती हैं, नाली खोद के और चली जाती हैं। हो गया, पानी निकले या ना निकले, आराम से। किस तरह की समस्या आपके वार्ड में आ रही? बहुत दुआरे का पानी भरा भैया, खां का सपन है कि हमको दाना खा ले पेट के, तनी गंदगी पूरे रोड में पानी भरा। किस तरह की समस्या आ रही है? बाहर पानी अंदर जा रहा है, नाली नाली नहीं आता, नाली के कारण अंदर पानी पूरे रोड में भर रहा है। नगर निगम अधिकारियों को सूचना? क्या नाम है आपका? उर्मिला कुशवाहा। ये कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 2। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? विंद विहार कॉलोनी। किस तरह की समस्या आ रही है? समस्या आ रही भैया, नाली के पानी अंदर जा रहा है, और एक दो से हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमरे अंदर आ रहा, हम बोल रहे हैं अंदर आ रहा। अब पानी जाए तो जाए, कहाँ जाए भैया। नगर निगम को आप लोगों ने सूचना दी थी? सूचना तो दी भैया, कोई सुनाई नहीं है। कितने साल से समस्या है ये? तो 5-6 साल हो गए भैया। अब बरसात का मौसम भी आ रहा है। हाँ, आए तो रहा भैया, अब पानी अभी भी अंदर जा रहा है टैंक में। क्या नाम है आपका? क्या समस्या आ रही वार्ड में आपके? यहाँ पर पानी भरता है नदियों में, नदी जाम है सर। कब से है ये? अरे 2-4 साल से है। किसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ पर की थी? नगर निगम में किए तो कोई आता है देखकर चला जाता है। किस तरह की समस्या आ रही? पानी भर जाता है बरसातों में, गाड़ी वाड़ी जाने के लिए समस्या रहती है, सब यही प्रॉब्लम रहती है। घर में भी भर जाता है पानी, पानी जैसे गिरेगा तो वहाँ पर भर जाएगा एकदम से। वार्ड के पार्षद से आपने शिकायत की थी? वार्ड के पार्षद से अभी तो नहीं शिकायत की है, क्षितिज मणि त्रिपाठी है। एक बार की थी तो बोले थे बनवाएंगे, अभी नहीं बना, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है।